हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल अलम माइंड एटेक में। और मैं हूं आपका दोस्त होस्ट अली। तो दोस्तों, आज के स्टूडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स, जिसमें आप अपने मोबाइल्स को बिना वाईफाई के पासवर्ड को डाले बिना आप अपने मोबाइल को कैसे कनेक्ट कर सकते हो, और तो और आपको फ़ोन को रूट करने की भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज की स्टूडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से बिना वाईफाई का पासवर्ड डाले आप अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, वीडियो के साथ आप बने रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने को बताया कि आप किस तरीके से बिना वाईफाई का पासवर्ड डाले आप किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको दो चीज़ें होनी आवश्यक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास होना चाहिए एक एंड्रॉयड फ़ोन, और उसके साथ ही आपके पास वाईफाई राउटर। जो भी राउटर आप यूज़ कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ जियो वाईफाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास दो इंस्ट्रूमेंट होने काफ़ी रिक्वायर्ड है, जैसे कि आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, उसके साथ ही दूसरा वाईफाई राउटर, आप जो भी राउटर यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे कनेक्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कर लेना है अपना वाईफाई ऑन। जैसे कि ये देख लीजिए, मैंने अपना वाईफाई ऑन कर लिया है, इसको भी हमने ऑन कर लिया है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जियो F2, ये मेरा जो मॉडल नंबर है वो शो कर रहा है यहाँ पे। अभी देख लीजिए मेरा वाईफाई कनेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे जो है वो पासवर्ड मांग रहा है। तो यहाँ पे मैं बिना पासवर्ड डाले तो कनेक्ट कर सकता नहीं, बट मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि किस तरीके से बिना वाईफाई के पासवर्ड को डाले आप किस तरीके से वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इसमें जो खेल है पूरा राउटर का, तो चलिए यहाँ पे दिखाते हैं हमको राउटर। आपको ध्यान से देखना है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा USB पोर्ट, यहाँ से आप चार्ज करते हैं। और एक इसके साइड में ही आपको दिख रहा होगा एक बटन जिसका नाम है WPS। मैं आपको बिल्कुल पास से ला के दिखा देता हूँ, ये आप बटन देख सकते हो। ये राउटर के सभी राउटर में, जितने भी राउटर होते हैं सभी में होता है ये बटन, चाहे कि आपके लेफ्ट राइट या फिर अप डाउन आपके कहीं पे भी होगा राउटर में, बट ये बटन्स आपके अवेलेबल होंगे ही होंगे। आप ध्यान से देख लीजिए WPS। आपने करना क्या है, आपने वाईफाई तो कर लिया है ऑन, अब आपने यहाँ पे सेटिंग के बगल में आपको दिख रहा होगा 3 डॉट्स, आपने इस पर कर लेना है क्लिक। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एडवांस, आपने इसमें कर लेना है क्लिक। अब आपको यहाँ पर थर्ड नंबर पर दिख रहा होगा WPS पुश बटन, और आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा WPS, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और यहाँ पे दिख रहा है WPS। तो इस तरीके से आपको करना क्या है, आपको यहाँ से कर लेना है WPS पुश बटन प्रेस करना है, इसके साथ ही आपको यहाँ से जो WPS दिख रहा है ये प्रेस करना है। तो चलिए मैं आपको WPS प्रेस पहले मोबाइल में प्रेस कर देता हूँ, उसके बाद इसमें मैं प्रेस किए रहता हूँ। तो जैसे कि देखिए मैंने इसमें प्रेस किया हुआ, ये देखिए वाईफाई WPS से कनेक्टेड हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वाईफाई जो है वो मेरा कनेक्ट हो चुका है। जैसा कि ये देखिए वाईफाई जियो फाई 2 कनेक्टेड। तो देखिए आपने दोस्तों देखा कि आप किस तरीके से बिना वाईफाई के पासवर्ड को डाले आप किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको कोई पासवर्ड आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ ही आपको अपना फ़ोन रूट करने की भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अपने दोस्त अली को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।